भूखे मर रहे हैं, हमें नवाज शरीफ है जो मर्जी है, हमें तो खाने को चाहिए। उनको पहले अपने केसेस का सामना करना चाहिए या तो ये घूमन में चले जाए। वो करके ही गए हैं तो ये ना गए दवाई लेने गए। दवाई का तो बहाना था, वैसे ही गया। दवाई का तो बहाना था, वैसे ही गया। दवाई का बहाना था, हमें ही गए थे, केसेस से फरार हुए गए थे। आप खुद मानते, ये देखें जी, वो खुद मानते हैं कि वो बहाना था सिर्फ दवाई का, असल में केसेस की वजह से मियाँ साहब डर के गए। जो सच्चा बंदा होता है वो पाकिस्तान में रह के केसेस को फेस करता है, जैसे इमरान खान है, नवाज शरीफ है ना, ये आवाम का पैसा लूट के ले गए। आप सबको पता है, हमें भी पता है, सारी आवाम को पता है कि उन्होंने आना तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल मच चुकी है। इलेक्शनों का ऐलान तो किया गया लेकिन ताहाल फिक्स डेट नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा गया जनवरी के एंड में इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत पाकिस्तान में आती और जाती दिखाई देती है। रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब चंद घंटों के लिए पाकिस्तान में आए और फिर लंदन पहुंच गए। मरियम सफदर भी लंदन पहुंच चुकी हैं। तो क्या इस आवाम से पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ नैब केसेस ओपन होने के बाद भी वापस आएंगे? अगर वो आते हैं तो उनको जेल जाना चाहिए या हुकूमत में आना चाहिए? लोग क्या समझते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या लगता है आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे, क्यों ना। आप जा रहे हैं इस्तकबाल के लिए, वहाँ जाएंगे, बब्बर शेर है, वो आएगा, पाकिस्तान का बब्बर शेर है नवाज शरीफ। तो ये बताइएगा कि मियाँ साहब गए थे दवाई लेने, अभी वो वापस आ रहे हैं तकरीबन 3.5 साल 4 साल बाद, तो आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो दोबारा से बहाल हुए हैं नैब वाले, तो उनको पहले अपने केसेस का सामना करना चाहिए या तो ये घूमन में चले जाए? वो करके ही गए हैं तो ये ना गए दवाई लेने गए। दवाई का तो बहाना था, वैसे ही गए थे, वो दवाई का बहाना था, हमें ही गए थे, केसेस से फरार हुए गए थे। आप खुद मानते, ये देखें जी, वो खुद मानते हैं कि वो बहाना था सिर्फ दवाई का, असल में केसेस की वजह से मियाँ साहब डर के गए। अब केस नहीं डर के नहीं, बब्बर शेर भी कभी डर, बब्बर शेर आए ना वापस, मुकदमा का सामना करें। आप कहते हैं कि अब भी ना करें। आएंगे जी, आएंगे, आएंगे तो सही, जेल जाएंगे या हुकूमत ही आएंगे? हुकूमत में आएंगे। देखे ना, जैसे ही हुकूमत खत्म हुई शहबाज शरीफ साहब चले गए बाहर, पाकिस्तान में एक दिन भी नहीं टिके। हम बोलते हैं, हम शहबाज शरीफ का बोलते हैं, नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ तो फिर भी कुछ इधर रहा है, नवाज शरीफ तो रहा ही नहीं। ये बदमाश आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। शरीफ कौन है? नवाज शरीफ आदमी। शरीफ आदमी ये होता है चुप करके निकल जाए? नहीं नहीं, निकला नहीं, वैसे वो जरा चला गया। शरीफ आदमी डर भी जाता है ना, शरीफ आदमी डर जाता है। आप सुन लें, शरीफ आदमी डर के चला जाता है और 4 साल तक दवाई नहीं लेके आता। इंशाअल्लाह आएगा, जरूर आएगा। देखो ना उन्होंने कितनी महंगाई हुई है, ये तो शहबाज साहब ने की है। महाराज बंदा खा नहीं सकता। जो आपको लगता है कि जो शहबाज शरीफ ने महंगाई की नवाज शरीफ काम कर देगा? जो इमरान खान साहब आए ने कर्मा वाले, उन्होंने महंगाई हुई, उनके जाने के बाद तो शहबाज साहब ने तो 130 की स्पीड लगा, फिर करनी साहब ने जो आता वो साहब ही कर रहा। हमने तो खा नहीं है, मजदूरी कर गई। आप जा रहे हैं नवाज शरीफ को लेने? नहीं भैया, हमने किधर जाना है, इधर काम करने के लिए टाइम नहीं है, मैंने नवाज शरीफ को लेने चले जाए। वो कह रहे हैं पूरी कौम आ रही है, पता नहीं कौन लेने जा रहा है। क्या लगता है नवाज शरीफ आएगा वापस? भूखे मर रहे हैं, हमें नवाज शरीफ है जो मर्जी है, हमें तो खाने को चाहिए। क्या कहते हैं, हमने मायतों से जो मर्जी है, लेकिन हमें रिलीफ देना, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जो महंगाई अभी हुई है, अब खाने की बात कर रहे हैं, जो महंगाई अभी हुई है वो किसके दौर में ज़्यादा हुई, शहबाज शरीफ की हुकूमत में या ये मौजूदा हुकूमत जो निगरान आई? अभी सबसे ज़्यादा हुई है, जो भी आई है अभी बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है कोई आपकी नज़र में है जो महंगाई काम कर? पाकिस्तान के सदस्यदान हमारी तरफ से जो मर्जी आ जाए, लेकिन महंगाई जो है ना वो कंट्रोल होनी चाहिए। हमें 3 टाइम का खाना मिलना चाहिए। बस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। क्या वजह, क्यों नहीं आ रहे? और उसकी वजह ये, जो सच्चा बंदा होता है वो पाकिस्तान में रह के केसेस को फेस करता है, जैसे इमरान खान है। हाँ, उसके ऊपर केसेस हैं, वो इस वक्त अदालतों में बैठा हुआ है, मतलब कि जेल जो है वो फेस कर रहा है। अगर उसके ऊपर उसके जो केसेस हैं वो झूठे हैं तो ठीक है, उसको आके फेस करे। जो सच्चा बंदा होता है, सच्चा पाकिस्तानी होता है, वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाता। उसके बच्चे जो हैं, उसकी प्रॉपर्टी सारी बाहर है। इमरान खान के ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो कहता दिखाओ मुझे कि मेरे बच्चे जो वो बाहर बैठे हुए हैं, 1 रुपये की भी साबित करके दिखाएं चोरी जो उसने की है। लेकिन वो बाहर भगौड़ा है सारी। देखें अभी वो जैसी ये निगरान हुकूमत आई है, सारी PDM जो है भाग के बाहर चली गई है। क्या डर है? देखें ना, हुकूमत में होते हैं, ना किसी की कमर दर्द हुआ है, ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, ना कोई सर्जरी करवाने गया है। जैसे हुकूमत खत्म हुई फिर सर लंदन पहुँच गया। क्या वजह समझ? सर वजह ये है कि उन्होंने तो कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं बनाया पाकिस्तान में जहाँ पर वो अपना इलाज करवा सकें। तो खैर अभी देखें पाकिस्तान से होकर इमरान खान जो, उसकी भी काफ़ी एज है, उसको भी कोई मसला होता है। प्लेटलेट्स क्यों नहीं गिर रहे? किसके? इमरान खान साहब। वो तो जेल में, क्लास भी सीधी हुई। हाँ, वो इसलिए नहीं गिर रहे क्योंकि वो सच्चे पाकिस्तानी हैं, इसलिए उनके प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे हैं। और नवाज शरीफ जो है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो चला जाता है लंदन, वो फेस कर सकता है, सरकारी खर्चों पर जाता है, उसको क्या है। ये जो नवाज शरीफ है ना, ये आवाम का पैसा लूट के ले गए, ठीक है ना। वो इमरान खान देख ले, अभी तक वो उन्होंने कहा कि मैं जान इधर ही देनी है, पाकिस्तान में देनी है। इसे लीडर कहते हैं। ये क्या है, दवाई लेने गया है, अभी तक नहीं आया। 4.5 से वो अभी तक दवाई नहीं आई, 4.5 साल से। ये हमारा वज़ीर आज़म है, हम ऐसे वज़ीर आज़म को मानते ही नहीं है। आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ को वापस आके हुकूमत में आना चाहिए या जेल में जाना चाहिए? सर फिलहाल मैं ना प्रोटोकॉल ना जेल सुटना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम दूसरे भी इस तरह हरकत ना करें। कहेगा कि मियाँ नवाज शरीफ ने वापस आने का ऐलान किया था और केसेस दोबारा खुल गए हैं, तो क्या लगता है वो आएंगे? नहीं, वो नहीं आएंगे। क्या वजह? आपको पता है कि वो अगर ये जो अमेंडमेंट हुई है लॉ में, अगर ये ना होती तो वो ज़रूर आते। अभी अमेंडमेंट होगी तो वो कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन उनके कारकुनान कह रहे हैं कि मियाँ जो आएगा अलग। कारकुनान कहते रहे मियाँ पहले भी आता रहा और पते लगते रहे। अभी तो आप सबको पता है, हमें भी पता है, सारी आवाम को पता है कि उन्होंने आना तो है नहीं। हाँ, एक शर्त पे आ सकते हैं कि अगर वही जो लॉ पहले था वो अगर दोबारा मतलब अमेंडमेंट ये चेंज कर दें, जो कि नहीं होनी, चीफ जस्टिस साहब जो करके गए हैं, फिर वो आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं आ सकते। तो ये बताइएगा कि बींग पाकिस्तानी क्या समझते हैं, एक बंदा 50 रुपये का स्टाम्प पेपर देकर गया था और अभी वापस आएंगे तो उनको जेल जाना चाहिए या हुकूमत में आना चाहिए? अभी जो 50 रुपये वाला स्टाम्प देख गया था उसको मतलब आना तो है, अगर आए तो पहले वो जो उन पर मतलब जो पनिशमेंट वगैरह हुई हैं वो उनको पूरा करें, या जिस तरह का मतलब ला बना हुआ है उसको फेसिस करें। जो पहले पनिशमेंट मिली हुई है पहले जाएं, जेल में जाएं और अपना मतलब वो ड्यूटी पवित्र होकर वापस। हाँ, ऐसे ही है। क्या कि नवाज शरीफ ने वापस आने का ऐलान कर दिया, आप जा रहे हैं इस्तकबाल के लिए? नहीं, वो कह रहा है पूरा पाकिस्तान आ रहा है, हम तो नहीं जा रहे। वो एम ही कह रहे हैं, वो तो कहता रहता है जो उसकी पार्टी के बंदे वो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आकर हुकूमत में आना चाहिए या जेल में जाना चाहिए? नहीं, इस चीज़ के बारे में मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो ऐसी बात बोल रहा हूँ। एक बंदा जेल में था, 50 रुपये का स्टाम्प दिया कि मैं इलाज करवा के आया, बस दवाई लेके आया और अभी तक वापस नहीं आया। जब आएगा उसको जेल जाना चाहिए या हुकूमत में आना चाहिए? उसको तो जेल जाना चाहिए ना, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो जब इमरान खान जेल में जा सकता था तो नवाज शरीफ क्यों नहीं जा सकता? अब एक मज़दूर आदमी, आप ये बताइएगा कि इमरान खान का दौर एक मज़दूर के लिए अच्छा था या नवाज शरीफ का दौर? दौर तो सबका बराबर ही है, लेकिन इस वक्त के मौजूदा हालात में इमरान खान का दौर ठीक था। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, पाकिस्तान जा रहे हैं उसको लेने, पूरी कौम आ रही है। नहीं नहीं, हम नहीं जा रहे। तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ बहादुरी करेगा, पाकिस्तान आएगा वापस? वो तो नहीं करेगा बहादुरी, किस तरह बहादुरी करेगा वो। आप क्या करते हैं काम? हम ड्राइवर हैं। इधर ये बताएँ कि इमरान खान का दौर मज़दूर के लिए मुश्किल था या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ का दौर मुश्किल है। तो मियाँ साहब जब वापस आएंगे आपका क्या मशवरा है कि उनको पहले केसेस में जेल जाना चाहिए या हुकूमत में आ जाना चाहिए? वो उसको जेल सही है, इमरान खान जेल में वो सही नहीं है, वो नवाज शरीफ जेल में। आप क्या समझते हैं जो इमरान खान पर मुकदमात हैं वो असली हैं या फेक बनाए गए? जी, खान पर जो मुकदमे हैं क्या वो असली हैं या 2 नंबर बनाए गए? नहीं नहीं, असली तो नहीं है, मुझे ख्याल में वो 2 नंबर है। अस्सलाम वालेकुम, आप जा रहे हैं नवाज शरीफ का इस्तकबाल? नहीं। क्या लगता है कि जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में बैर गया था वापस आएगा या नहीं आएगा? मुश्किल लग रहा है, बड़ा। क्यों मुश्किल लग रहा है? वो नहीं आ सकता पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि मियाँ जब आएगा लग पता जाएगा। नहीं आ सकता पाकिस्तान, जब आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं। तो मियाँ साहब का ठिकाना आप हुकूमत समझते हैं या जेल समझते हैं? जेल। जी बिल्कुल, हमने एहलियाने लाहौर से मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से पूछा कि क्या वो इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। मोर देन 98% लोग ऐसे हैं जो नहीं जा रहे और जो समझते हैं कि मियाँ साहब को वापस आकर अपने केसेस का सामना करना चाहिए, पहले उनको जेल जाना चाहिए, उसके बाद जो आवाम का फ़ैसला हो, जो जमहूर का फ़ैसला हो, उसके मुताबिक हुकूमत में आना चाहिए अगर आवाम मुंतखब करे तो। और इसके अलावा भी उनका कहना है कि शरीफ ख़ानदान का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब उनकी हुकूमत होती है पाकिस्तान में होते हैं, जैसे ही हुकूमत ख़त्म होती है वो बाहर चले जाते हैं और लंदन में अपनी ज़िंदगी अय्याशी के साथ गुजारते हैं। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।